एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए जो अंडरग्राउंड सबवे बनाया हुआ है उसके अंदर जा रहा हूँ। डर लग रहा है मेरे को, तो अकेले जा रहा हूँ अंदर। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, आई एम बैक विथ माई न्यू वीडियो। सो गाइस, काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ लेकिन आज तक कभी मैंने मोटो ब्लॉग करने का ट्राई नहीं किया है। आज मैंने सोचा क्यों ना एक मोटो ब्लॉग बना दिया जाए। सो आज कुछ जुगाड़ लगा के पूरा मैंने मोटो ब्लॉग का सेटअप तैयार कर दिया है। मैं जा रहा हूँ गांधीनगर, तो मैं कोई और जगह पर भी जा सकता था लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे गांधीनगर साइड में नहीं गया हूँ। सो वाई नॉट कि हम लोग गांधीनगर ही जाएँ। सो वहाँ पर क्या एकदम प्रॉपर अपने ब्लॉग शूट कर सकते हैं एंड वहाँ पर लोकेशन भी काफ़ी अच्छी अच्छी है। तो अभी निकलते फटाफट एंड रास्ते में बात करते हैं। चलिए, तो अभी फिलहाल मैंने मोटो ब्लॉग का जो हेलमेट है वो अभी नहीं पहना है, हाईवे पे जाके पहनूंगा। यहाँ पे 2 साल से मेट्रो का काम चलता है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। सो हम लोग पहुँच चुके हैं हाईवे पे। सो अभी व्हीकल साइड में करके अपना मोटो ब्लॉग का सेटअप पहन लेता हूँ, थोड़ा आगे जाके पहनता हूँ। सो ये है SG हाईवे, सरखेज गांधीनगर हाईवे। थलतेज से निकला हूँ, अभी सीधा गांधीनगर पहुँचेंगे। सीधा रास्ता है थलतेज से, ये जो SG हाईवे पकड़ते हैं तो सीधा गांधीनगर ले जाता है हमको। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एंड अगली बार मैं सामने की साइड से आया था लेकिन आज पता नहीं ये रोड से मैं कैसे आ गया, ये के रोड से आया हूं। एंड लुक एट द व्यू मैन, क्या लग रहा है रेलवे स्टेशन। मतलब ऊपर तो 5-स्टार होटल ही है एंड नीचे है रेलवे स्टेशन। ओके, यहां करते हैं पार्क एंड अपना हेलमेट रख देते हैं पहले अंदर। ओ भाई साहब, इतनी गर्मी थी। तो अभी पहले पानी पीते हैं उसके बाद बातचीत करते हैं। फाइनली 30 किलोमीटर्स की ड्राइव करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं गांधीनगर में एंड गांधीनगर में आने के बाद मैंने सोचा कि यार कहां जाए, लेकिन फाइनली दिमाग में क्लिक हुआ कि नहीं भाई, इसके पहले हम लोग गांधीनगर आए थे तो एक जगह का ब्लॉग शूट किया था हम लोगों ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन का एंड जहाँ का रीडेवलपमेंट हो रहा था एंड पुराने रेलवे स्टेशन को कन्वर्ट करके एक काफ़ी बढ़िया रेलवे स्टेशन बना रहे थे एंड उसके ऊपर 5-स्टार होटल बन रही थी। सो मैंने सोचा क्यों ना जाए एंड वहाँ का ब्लॉग शूट कर दे कि वहाँ पर अभी फ़िलहाल क्या हो चुका है। बिना टाइम वेस्ट किए जाता हूँ अंदर एंड फिर दिखाता हूँ आप लोग को। सो ये रहा रेलवे स्टेशन एंड हमारा इंडियन फ्लैग एंड अंदर टिकट के लिए लाइन लगी हुई है, तो आई थिंक यहाँ पर अभी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है। सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर सब टिकट के लिए लाइन लगी हुई है, यहाँ पर लोग भी बैठे हुए देख सकते हो आप यहाँ पे एंड आगे भी है। सो ये लोग वेट कर रहे हैं अपने ट्रेन के लिए एंड ट्रेन यहाँ पर अभी आनी स्टार्ट हो चुकी है। सब देखो ये बोर्ड पे नंबर्स एंड दैट एंड इसके बारे में मुझे नहीं पता था पहले जब मैं आया था तभी,
मैं इसके अंदर भी नहीं गया था, कुछ ही दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, तो हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। यही कुछ सीन है यहाँ का, जाते हैं आगे। काफ़ी आई थिंक काम हो चुका है, जब मैं आया था तभी तो यहाँ पर सब अभी टाइल्स एंड वो सब का फिनिशिंग सब बाकी था, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ज़्यादातर ऑलमोस्ट काम कम्प्लीट हो चुका है एंड स्टेशन तो स्टार्ट हो ही चुका है। आप देख सकते हो सब लाइट्स लगी हुई है कि कितनी देर में कौन सी ट्रेन आएगी, क्या है, वो सब तो स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर एंड अभी आगे चलते हैं। सो गाइस ये देख सकते हो ये के साइड्स सब यहाँ पर ड्रॉ पेंट की हुई है, अटल अदनी वाव, मोढेरा टेम्पल, सिद्दी सैयद, गांधी आश्रम, सब पेंट्स किए हुए, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड सामने की वॉल पे रन ऑफ कच्छ, तो ऊपर एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, लगता है मोदी जी जा रहे हैं अंदर। सो गाइस काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, गलती कर दी आज मैंने, अपने जो गॉगल्स है वो नहीं लेके आया हूँ, सो पानी पी लेते हैं अभी फ़िलहाल। आपको मेरे पीछे दिख रही होगी होटल ऊपर, जो ऑलमोस्ट बनकर कंप्लीट हो चुकी है एंड आई डोंट थिंक कि मेरे को अंदर जाने मिलेगा होटल के ऊपर, बिकॉज सिक्योरिटी एंड जो हो सके मैं आप लोग के लिए शूट करने वाला हूँ। सो चलिए, सो अभी यहाँ पे एक ट्रेन आ रही है, ट्रेन तो नहीं बोल सकते, इंजन आगे का हिस्सा ही है ट्रेन का। तो गाइस बाहर का यही कुछ सीन है, यहाँ पर मैंने आप लोग को सब बाहर का सब दिखा दिया। अभी फ़िलहाल मैं जाता हूँ, ये ट्राई करता हूँ सबवे में जाने का, ये देख सकते हो भूमिगत मार्ग। सो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ अंदर अंडरग्राउंड, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए जो अंडरग्राउंड सबवे बनाया हुआ है उसके अंदर जा रहा हूँ एंड यहाँ पर आवाज़ एको हो रही है, डर लग रहा है मेरे को, तो अकेले जा रहा हूँ अंदर। सो गाइस जब मैं यहाँ से आया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन यहाँ आके पता चला कि मतलब कुछ है ही नहीं अंदर, कुछ ऐसा बड़ा रूम नहीं बनाया है, सिर्फ यहाँ से एंटर करते हो तो यहाँ पे एक पाथ बनाया हुआ है जो ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है एंड ईजीली एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गए वो। सो गाइस पहले तो डर लग रहा था कि मतलब कैसा होगा अंदर, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये सब चालू नहीं हुआ है एंड यहाँ सब धूल पड़ी हुई है यहाँ पर फिलहाल। सो कुछ है नहीं ऐसा, डर लगा नहीं मुझे तो, एंड ये देख सकते हो सब जगह धूल धूल धूल। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर। सो गाइस अगली बार हम लोग आए थे तो ये सीढ़ी के ऊपर चढ़ के भी गए थे, लेकिन ये सीढ़ी के ऊपर चढ़ने के बाद भी ऊपर कुछ है नहीं, एक हॉल जैसा ही है एंड लिफ्ट से तो ऊपर जाने मिलेगा नहीं होटल में। तो गाइस आप देख सकते हो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2। सो यहाँ पर दो ही प्लेटफॉर्म है एंड ज़्यादा कोई बड़ा प्लेटफॉर्म ये रेलवे स्टेशन नहीं है, सिर्फ इसकी यूनिक चीज़ यही है कि इसके ऊपर होटल है, वो भी ऐसी वैसी नहीं, 5-स्टार होटल है एंड आई थिंक ऑलमोस्ट सब काम कम्प्लीट हो चुका है, सिर्फ इस साइड थोड़ा बहुत काम चालू है एंड ऊपर का भी आई थिंक होटल तो कम्प्लीट हो चुकी है, अंदर का थोड़ा बहुत काम बाकी होगा। तो ये है कुछ सीन यहाँ का। चलिए फिर से जाता हूँ सबवे में एंड दूसरे प्लेटफॉर्म से फिर से फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे जाने की बारी आ गई। मैंने आपको ज़्यादातर सब कुछ दिखा दिया, सबवे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ गाइस बनाई है, क्योंकि क्या होता था पहले ट्रेन के ट्रैक्स है वही क्रॉस करके चले जाते थे जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है गाइस। सो काफ़ी अच्छी चीज़ हुई है इसमें ये जो सबवे बनाए हैं गाइस, यहाँ पर देख सकते हो आगे काफ़ी सारे लोग हैं, सब पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि कैसा ये पूरा बनने वाला है, कैसा दिखने वाला है, ऊपर की ये होटल कुछ इस टाइप से होने वाली है, पूरा गार्डन एंड वो सब कुछ होने वाला है। होटल तो आई थिंक ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुके है ऊपर की, क्योंकि बाहर से जब दिखती है ना काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग दिखती है, ये एक और स्ट्रक्चर है। सो चलिए अभी जाते हैं बाहर एंड व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, चलिए। सो गाइस अभी हुई है 11:30 एंड करीबन 1.5 आवर मैंने यहाँ पर घूमा एंड पूरा ब्लॉग शूट किया एंड अभी फ़िलहाल देखता हूँ बाहर जाता हूँ, कुछ नाश्ता करते हैं फिर जाते हैं सीधा। सो गाइस ये वाला हेलमेट है जिसके अंदर पूरा ब्लॉगिंग सेटअप मैंने सेटअप किया था, बिकॉज ये हेलमेट के नीचे जो ये वाला पार्ट है ना वो है, जो दूसरा हेलमेट है उसके अंदर नहीं है। बाकी ये अच्छी क्वालिटी का हेलमेट है, लेकिन वो क्वालिटी वाला अच्छी क्वालिटी का हेलमेट नहीं है, लेकिन इसके अंदर नीचे का पार्ट है, सो ब्लॉगिंग सेटअप इसके अंदर सेटअप नहीं कर सकते अपन।
दूर से ये होटल काफी बढ़िया लग रही थी। देखो यहाँ से भी कुछ पार्ट दिखता है, ये देखो जो ये जो ऊपर है ना फेंसिंग की हुई है, ये पूरा सीटिंग एरिया है होटल का। यहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकते भाई बाहर। देखो ये जब पूरा एकदम कंप्लीट रेलवे स्टेशन बन जाएगा तो एकदम काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो रेलवे स्टेशन के ऊपर सी प्लेन पेंट किया हुआ है, स्टेडियम एंड देन बीच में ट्रेन है। बाहर निकलते हैं फिर मिलते हैं। सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, इस साइड से हम लोग आए रेलवे स्टेशन के पास में ही है ये डांडी कुटीर, एंड इस साइड यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है महात्मा मंदिर। ये दोनों काफ़ी अमेजिंग प्लेसेस है। फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड यहाँ पर ब्लॉग शूट करने के बाद इतना टाइम बचा नहीं है कि मैं दोनों मतलब कहीं पर जाऊँ। सो गाइज यहाँ से मैं आया एंड यहाँ पर सोचा थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं फिर जाते हैं। सो मैंने लिया है वड़ा पाव एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से सर्व कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट, एकदम बॉम्बे स्टाइल लग रहा है वड़ा पाव। सो गाइस वड़ा पाव खाने के बाद अभी फिर से निकल चुके हैं अपने घर की साइड। मैं सोच रहा हूँ यहीं पे एंड कर दूँ वीडियो। सो गाइस आज का वीडियो बस यहीं तक था, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग नए हो। काफ़ी जल्द 2000 सब्सक्राइबर्स हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो प्लीज़ इसको जल्दी से कंप्लीट करवाइए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते रहिए वीडियोज़ को। अपन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर दीजिए क्योंकि मैं वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।